हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे 10x12 रूम में इपॉक्सी फ्लोरिंग लगाने की कॉस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, जो ये रूम है, इसका साइज़ है 10x12, मीन्स ये टोटल एरिया जो कवर करेगा वो होगा 120 स्क्वायर फिट। मीन्स फ्रेंड्स, यदि 120 स्क्वायर फिट एरिया के रूम में आप इपॉक्सी फ्लोरिंग कराते हैं तो उसका खर्च क्या है, हम इस पे बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आजकल का जो नया ट्रेंड है वो इपॉक्सी फ्लोरिंग के है, क्योंकि टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का समय पुराना हो गया, यूज आज भी होता है, पर यदि आपके फ्लोर में इपॉक्सी फ्लोरिंग है तो उसकी अलग ही 3D साइन दिखेगी, जिससे इसका लुक सबसे अमेजिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो इसमें अपन मिक्सचर बनाते हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग में, वो रेजिन और हार्डनिंग का मिक्सचर होता है, और जो इसका कॉस्ट होता है, प्राइस होता है, वो कहीं ना कहीं इसी पे डिपेंड करने वाला होता है। यदि आप जितनी हाई क्वालिटी का हार्डनर और रेजिन का मिक्सचर लेते हैं तो उसकी कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा आती है, और फिर यदि आप उसमें 3D पैटर्न कराते हैं तो उसका कॉस्ट और ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका इसका जो एरिया है, हमारा रूम जो है, उसका एरिया 10x12 मीन्स 120 स्क्वायर फिट है, और यदि इपॉक्सी फ्लोरिंग की कॉस्ट की बात की जाए तो वो फ्रेंड्स 200 से लेके 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट वाली इपॉक्सी फ्लोरिंग मार्केट में अवेलेबल है। और हम ऐसा मान के चलते हैं, जो आप अपने रूम में इपॉक्सी फ्लोरिंग करा रहे हैं वो 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट वाली इपॉक्सी फ्लोरिंग है, तो फ्रेंड्स यदि हम 200 का 120 से इंटू कर दें तो फ्रेंड्स ये पहुंचेगा 24,000 रुपये। मीन्स फ्रेंड, यदि आप अपने 10x12 के रूम में इपॉक्सी फ्लोरिंग कराना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट पहुंचेगा फ्रेंड्स 24,000 रुपये। ओके फ्रेंड्स, यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे